सदगुरु टेऊ राम महाराज की जय। सतनाम साखी। कितने ही प्रेमी हाथ जोड़कर स्वामी जी से कहने लगे, हे प्रभु, हम सदा आपके चरणों में ही रहना चाहते हैं, कृपया हमें अपनी शरण में रखें। सांसारिक व्यवहार में अब हमारा मन नहीं लगता, इच्छा तो यह है कि सदा आपकी चरण शरण में रहकर सेवा करते रहें। इतना कहकर सब प्रेमी स्वामी जी के चरणों में नतमस्तक हो गए। स्वामी जी ने उनका इतना प्रेम देखकर उन्हें उठाकर आश्वासन के वचनों से कहने लगे कि आप किसी प्रकार का विचार न करें, कल सवेरे आना, ईश्वर सब अच्छी ही करेंगे। स्वामी जी के आश्वासित वचन सुनकर सब प्रेमी बड़े प्रसन्न हुए। प्रातःकाल शीघ्र ही सब प्रेमी प्रसाद और पूजा की सामग्री लेकर आए। सबने विधि पूर्वक स्वामी जी से मंत्र दीक्षा ली। उनमें से मुख्य व्यक्ति निम्नलिखित हैं: भाई आसुराम, भाई आत्मानंद, भाई परमानंद, भाई मंगनराम, भाई मेघराज, भाई ठाकुराम, भाई खीमाराम, भाई ओम प्रकाश, भाई चीजनराम, भाई आलूराम, भाई रिझुराम, भाई लालूराम, भाई कलूराम, भाई पारियाराम, भाई जेठाभक्त, आसुमल स्वर्णकार, बाबा जानीराम, भाई टिक्याराम, भाई टेकूराम, भाई वादूराम, भाई व्यसणीराम, भाई किशनराम, रामू भक्त, आसनदास, पटवारी वाहद भक्ष तथा खंडू और सालारे के अन्य प्रेमी स्त्री पुरुष गुरु मंत्र लेकर शिष्य बने। दिन प्रतिदिन स्वामी जी का हृदय वैराग्य और भक्ति में अग्रसर होता गया तथा बड़े प्रेम और वैराग्य से सत्संग करते रहे। एक दिन ब्राह्मण हुंदलदास आकर स्वामी जी के सत्संग में बैठा। सत्संग की समाप्ति के पश्चात हाथ जोड़कर स्वामी जी से कहने लगा, यह दास बहुत ही भूखा आपके द्वार पर आया है, कृपया कर कुछ आपके भंडारे से प्रसाद खिलाएं ताकि मन में शांति प्राप्त हो। ऐसा कहकर आंखों से प्रेमाश्रु बहाने लगा। स्वामी जी ब्राह्मण से बोले, आप स्वयं विद्वान हैं तथा शास्त्रों का ज्ञान भी रखते हैं तथा सत्संग भी करते हैं, सब कुछ जानते हैं, हम तो इतना नहीं जानते जो आपको और अधिक समझा सकें। तब ब्राह्मण हुंदलदास हाथ जोड़कर कहने लगे, हे भगवान, मैं पढ़ तो बहुत चुका हूँ, पर सब शास्त्र भी यही कहते हैं कि बिना गुरु के आत्मा का साक्षात्कार नहीं होता और न मन को ही शांति प्राप्त होती है। इसीलिए मैं कितने समय से सदगुरु की खोज में था, कितने ही महापुरुषों से वार्तालाप किया, पर मेरा मन कहीं भी नहीं लगा। आज आपका सत्संग सुनकर मेरे मन में पूर्ण विश्वास हुआ कि मेरा उद्धार आपके द्वारा ही होगा। गंगा मथुरा काशी फिरियो, फिरियो तीर्थ सारे, कहां नहीं मुझे प्रभु मिलिया, आयो शरण तुम्हारे। इसीलिए प्रभु मैं आपकी शरण में हूं, कृपया हमें प्रभु मिलने की राह बताएं, जिससे ईश्वर का साक्षात्कार करके मोक्ष प्राप्त कर सकूं। महाराज हुंदलदास का असीम प्रेम देखकर स्वामी जी बोले, अच्छा, तुम प्रतिदिन सत्संग सुनने आया करो और संतों की सेवा भी प्रेम पूर्वक किया करो, परिपूर्ण परमात्मा आपके मन की इच्छा शीघ्र ही पूर्ण करेगा। यह सुनकर महाराज बड़ा प्रसन्न हुआ और अपने घर पर चला गया। रात को भोजन के पश्चात स्वामी जी विश्रामित हुए तो ग्वाललाल से बोले, जाकर तुम भी आराम करो। ग्वाललाल हाथ जोड़कर बोला, भगवान, इस दास को भी नाम का उपदेश दीजिए। स्वामी जी बोले, तुम अभी बालक हो, प्रेम पूर्वक संतों की सेवा करते रहो, फिर तुम्हें उपदेश देंगे। नैनों में नीर भरकर ग्वाललाल बोले, स्वामी जी, मुझे अभी उपदेश दीजिए ताकि फिर माया जाल में न फंस जाऊं, मैं आपके चरणों में रहकर प्रसन्नता से सेवा करूंगा। ग्वाललाल का ऐसा प्रेम देखकर स्वामी जी बोले, अच्छा, तुम्हें भी शीघ्र नाम का उपदेश देंगे, विचार मत करो, अब जाकर आराम करो। प्रातःकाल शीघ्र हुंदलदास आया, स्वामी जी को प्रणाम कर बोला, भगवान,
सेवक उपस्थित है, जो सेवा हो मैं करने के लिए तैयार हूँ। स्वामी जी बोले, मुल्तानी मिट्टी और तेल लेकर सब संतों को स्नान कराकर फिर भोजन खिलाओ और शाम को सत्संग के लिए आसन बिछाना। हुंदलदास स्वामी जी की आज्ञा पाकर संतों के साथ सिंधु नदी पर गया और स्नान करवाकर वापस स्थान पर आया। संतों को भोजन खिलाकर स्वामी जी से आकर बोला, मेरे लिए और दूसरी कौन सी सेवा है? स्वामी जी बोले, संतों के समीप जाकर बैठिए और जो कुछ वे कहें सेवा करते रहो। संतों को भोजन खिलाकर स्वयं भी भोजन खाना और उसके बाद घर जाना। शाम को 6 बजे आकर सत्संग के आसन बिछाना और दोपहर को भोजन खिलाकर फिर स्वयं भी भोजन पाकर घर चला गया। शाम को आकर आसन बिछाए, इस प्रकार कुछ समय तक प्रेम पूर्वक सेवा की। जब स्वामी जी ने देखा हुंदलदास को जाति तथा विद्या का अभिमान नहीं है, किसी भी सेवा में कोई संकोच नहीं करता है, बहुत अधिक श्रद्धा तथा प्रेम है, तब उसे नाम का अधिकारी समझकर उनसे कहने लगे, आप कल सवेरे 8 बजे आना तो आपको गुरु मंत्र बताएंगे। उसी समय ग्वाललाल जी से भी स्वामी जी ने कहा, तुम्हें भी हुंदलदास के साथ उपदेश देंगे। दूसरे दिन ग्वाललाल तथा हुंदलदास पूजा की सामग्री तथा प्रसाद ले आए। स्वामी जी ने उन दोनों को विधि पूर्वक मंत्र दीक्षा देकर कहा कि अब पूर्ण श्रद्धा रखकर पुरुषार्थ करो, अच्छी तरह से मंत्र का जप करके आत्मा का साक्षात्कार करो। इसके लिए निम्नलिखित साधन करने हैं, थोड़ा खाना, थोड़ा बोलना, थोड़ा सोना और प्रातः 4 बजे जागकर नाम का जाप करना, संतों की प्रेम से सेवा करते रहना। और भी जो बहुत से जिज्ञासु थे वे प्रतिदिन आकर सत्संग सुनते थे, कुछ गायों की सेवा करते थे, कुछ झाड़ू लगाते थे, कुछ पानी भरते थे, कुछ बर्तन साफ करते थे, सेवा करने के बाद जाकर अपने अपने घर के कार्य करते थे और फिर शाम को आकर सत्संग सुनते थे और सत्संग के बाद 10-11 बजे रात को घर जाते थे। एक दिन शाम को 6 बजे महाराज हुंदलदास चबूतरे की सफाई कर रहे थे। उस समय उसका एक यजमान भक्त बासरी राम वहां से आ गुजरा। महाराज हुंदलदास को झाड़ू लगाते देखकर कहने लगा, महाराज आप यह क्या कर रहे हैं? आप स्वयं झाड़ू लगा रहे हैं, ये बढ़िया आपकी सेवा करें या आप इनकी सेवा करें? लोग क्या कहेंगे, शहर के व्यक्ति आपकी निंदा करेंगे। यह सुनकर महाराज हुंदलदास बोला, सारा संसार हमारी सेवा कर रहा है, इसीलिए हमें भी किसी की सेवा करनी चाहिए। यह स्थान हमारी सेवा करने लायक है, क्या हम गुरुदेव और संतों की सेवा न करें? गुरु ग्रंथ साहब आप रोज पढ़ते हैं, उसमें एक पंक्ति आती है, 4 पदार्थ जेको मांगे साध जना की सेवा लागे। इसीलिए हे प्रिय, अगर तुम भी अपना कल्याण करना चाहो तो इस द्वार की आकर सेवा करो। यह सुनकर बासरी राम ने जाकर हुंदलदास के बड़े भाई गिरधारी लाल जी को बताया कि आपका छोटा भाई टेऊराम जी के घर पर झाड़ू लगा रहा है, बर्तन मांझ रहा है, आपका धर्म भ्रष्ट कर दिया है, आप हमारे लिए पूजनीय हैं, हम आपकी सेवा करें या आप बणियों की सेवा करेंगे? कितने दिन हुए हैं कि आपका भाई टेऊराम जी का शिष्य बनकर सेवा कर रहा है, आपको शायद यह बात मालूम नहीं है। अगर आप ब्राह्मण होकर ऐसा करेंगे और अपना धर्म कर्म त्याग देंगे तो कौन आपकी पूजा करने आएगा? अगर आपको विश्वास न हो तो आप स्वयं जाकर देखावें। यह सुनकर महाराज गिरधारी लाल ने अपने बेटे को बुलाकर कहा, बेटे जाकर देखाओ तो तुम्हारा चाचा क्या कर रहा है। लड़का वहां से देखकर आया और अपने पिता को आकर बताया कि चाचा सत्संग की दरिया बिछा रहा है। इतना सुनकर गिरधारी लाल चुप हो गया। रात को सत्संग सुनकर महाराज हुंदलदास जब घर पहुंचे तो गिरधारी लाल ने कहा,
तुम टेहूराम के घर जाकर सेवा क्यों करते हो? मैंने सुना है कि तुमने उनसे उपदेश लिया है, उसके घर में झाड़ू लगाते हो, जूठे बर्तन मांजते हो और आसन बिछाते हो। लोग क्या कहेंगे? तुम अपनी शान को तो देखो, हम ब्राह्मण होकर वैश्यों की सेवा करें, क्या यह बात तुम्हें अच्छी लगती है? अपना धर्म मत छोड़ो। हुंदलदास हाथ जोड़कर कहने लगा, भैया मैंने उन्हें गुरु बनाया है और सेवा भी करता हूँ, इसीलिए कि जिज्ञासु का कर्तव्य है कि सदगुरु की हर प्रकार से सेवा करे। सब शास्त्रों का भी यही मत है कि मनुष्य को सदगुरु के बिना आत्मज्ञान नहीं होगा, बिना ज्ञान के फिर मोक्ष प्राप्त नहीं होगा। केवल शास्त्रों के द्वारा आत्मा का ज्ञान नहीं होगा, ज्ञान के बिना मोक्ष नहीं होगा, जैसे वेद में लिखा है, ऋते ज्ञानान्न मुक्ति। दोहा, वेद उदधि गुरु बिन लखे, लागे लवण समान, बादल गुरमुख द्वार ते, अमृत ते अधिकान। 360 वेदांत मत, संचय बहु प्रकार, गुरु बिन नर जाने नहीं, सूक्ष्म ब्रह्म विचार। अर्थ, वेद शास्त्र समुद्र के समान है, गुरु के बिना नमक सदृश लगेंगे, जैसे समुद्र का पानी बादलों के द्वारा मीठा हो जाता है, ऐसे ही वेद ग्रंथ भी गुरु के द्वारा पढ़ने से अमृत समान होकर जीव को अमर बना देंगे। इसीलिए मैंने शास्त्रों की आज्ञा अनुसार सदगुरु पाया है। इतना सुनकर गिरधारी लाल बोले, तुम्हारी बात सत्य है कि कोई महापुरुष, बड़ा सन्यासी या बड़े नाम वाला गुरु करते तो तुम्हारा नाम भी होता। अब तो जो सुनेगा वो तुम्हारा अपयश करेगा, हमें भी सिर झुकाना पड़ेगा। लोग निंदा करेंगे कि आपने यह क्या किया है, अपनी उत्तम ब्राह्मण जाति का नाश कर दिया है, कुल को कलंकित किया, इसीलिए अब टेहूराम के घर मत जाना और ना ही सेवा करना। अगर हमारी बात न मानी तो तुम्हें घर से निकाल देंगे। यह सुनकर हुंदलदास कहने लगा, हे तात, आप मेरे बड़े भाई पिता के समान हैं, विद्वान तथा शास्त्रों के ज्ञाता हैं, फिर भी आप मुझे कैसी राय दे रहे हैं? आप विद्वान हैं, मुझे अच्छी प्रकार समझाएं। सुंदरदास महाराज बड़े विद्वान व जाति के ब्राह्मण थे, किंतु दादू महाराज जी को अपना गुरु बनाया। दादू महाराज जी तो जाति में उनसे कम थे, किंतु उन्हें गुरु करने से क्या सुंदरदास का ब्राह्मणत्व नष्ट हो गया? आप भी शास्त्रों के मर्म को जानते हो, हमें अच्छी तरह समझाओ। महाराज गिरधारी लाल जी बोले, इसीलिए सुंदर महाराज को ब्राह्मणों ने अपनी जाति से निकाल दिया था। तब हुंदलदास जी बोले, यदि ऐसा है तो भली आप भी मुझे अपनी जाति से निकाल दें। दोहा, गंगा काशी गिरनार तक हो जा चारों धाम, हुंदल के मन भाइया सदगुरु टेहूराम। मैंने जो गुरुदेव किया है उसी का ही शिष्य कहलाऊंगा। यह सुनकर महाराज गिरधारी लाल चुप हो गया और मन में विचार किया कि टेहूराम जी को जाकर कहूंगा कि हुंदल को अपने पास न आने दे। इस प्रकार से हृदय में विचार कर आराम करने लगा। दूसरी ओर स्वामी जी के और भी जिज्ञासु तथा प्रेमी थे, उन्हें भी उनके संबंधी कहने लगे, आप घर का कोई भी कार्य मन लगाकर नहीं करते हो और दिन भर संतों के पास बैठे रहते हो, रात को 12 बजे घर आते हो, हम तुम्हारे नौकर बनकर तुम्हारी राह देखते रहें कि अभी आए अभी आए, तुम्हें अपना कोई ख्याल नहीं है। आज के बाद संत के पास कभी मत जाना, अगर गए तो फिर समझ लेना अच्छा नहीं होगा। और भी बहुत कुछ बुरा भला कहकर उन्हें मना कर दिया, पर उन प्रेमियों ने अपने घर के कुटुंबियों की बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया, नियम पूर्वक स्वामी जी के पास आते जाते रहे। अंत में अपने लड़कों को माँ बाप भी मारने लगे, कुछ लड़कों को तो कमरे में बंद कर ताला लगा दिया, जिन्हें रस्सियों से बांध दिया। पर जैसे जैसे संबंधी और माँ बाप उन्हें मारते थे, वैसे वैसे ही उन प्रेमियों का मोह निवृत्त होता गया और वृत्ति वैराग्यमयी बनती गई, क्योंकि संसार के दुख भी वैराग्य के कारण हैं। श्लोक
जिए जिए टोके लोक तिये तिये मुंह ताकिद थिए, इसलिए जो बचा हुआ उनका मोह था वो भी निकलता गया, जिससे वृंदावन में सखियां और ग्वाले कृष्ण की मुरली की आवाज सुनकर लोग लाज का त्याग कर अपना काम छोड़कर किसी की परवाह किए बिना भगवान के चरणों में पहुंचकर मुरली की धुन पर मस्त हो जाते थे। कुछ भी संसार या व्यवहार का पता नहीं रहता था। उसी प्रकार सब जिज्ञासु तथा प्रेमी स्वामी जी की भजन रूपी मुरली सुनते थे। उसी समय ही स्वामी जी के चरणों में आकर सत्संग सुनते थे। जिन्हें सच्चा प्रेम, वैराग्य और प्रभु से मिलने की प्यास है, उन्हें संसार का कोई भी बंधन नहीं बांध सकता। अपने लड़कों की स्वतंत्र स्थिति देखकर माता पिता उलझ गए कि अब क्या करना चाहिए। कितना भी इन्हें मारते हैं, बंद कर देते हैं, फिर भी दीवारों से कूद कर चले जाते हैं, हमारी कोई परवाह ही नहीं करते। जितने भी 25-30 प्रेमी लड़के थे, उनके माँ बाप सब आपस में इकट्ठे हुए। यह बात महाराज गिरधारी लाल जी ने भी सुनी। उसने भी उन लोगों को अपने भाई हुंदल दास की बात बताई और कहा कि पहले सब मिलकर संत जी के पास चलें और उन्हें कहें कि हमारे लड़कों को अपने पास न आने दे। सबने कहा, हम भी यही सोच रहे थे। अगर यह बात संत जी ने न मानी तो चलकर सरपंच से कहेंगे। यह निर्णय करके सब लोग स्वामी जी के पास आए। स्वामी जी ने आदर सत्कार देकर उन्हें बैठाया और पूछने लगे कि आज आप लोग कैसे पधारे। यह सुनते ही गिरधारी लाल बोले, हम आपके पास इसीलिए आए हैं कि हमारे लड़के घर के कार्यों को छोड़कर दिन भर आपके पास बैठे रहते हैं और रात को 12 बजे तक मुश्किल से घर पहुंचते हैं। इसीलिए हमारी आपसे विनती है कि आप उन्हें अपने पास ना आने दें। स्वामी जी मुस्कुरा कर बोले कि हमारे पास जो भी आएगा उससे कैसे कहेंगे कि हमारे पास ना आओ। आप भले ही अपने लड़कों को रोके। यह सुनकर सब कहने लगे, लड़के हमारी आज्ञा से निकल चुके हैं, कृपया करके आप उन्हें अपने पास आने से रोकिए। फिर भी स्वामी जी ने वही उत्तर दिया कि घर आए हुए व्यक्ति को हम कैसे निकाल सकते हैं। हमारे पास कोई आए या जाए, हम उन्हें नहीं रोकेंगे। इतना कहकर ग्वाल लाल से कहा कि इन सब लोगों को कुछ जलपान कराओ। इस पर सब खड़े हो गए और कहने लगे, हमें जल की आवश्यकता नहीं है, हम जा रहे हैं। इतना कहकर गुस्से में आकर सीधे मुखी के पास गए। मुखी को अपने लड़कों की और स्वामी जी की सब बात बताई। यह सुनकर मुखी बोला कि इस बारे में पहले भी सालारे गांव के लोगों ने शिकायत की है। यह बात अच्छी नहीं है कि जवान लड़के कार्य व्यवहार छोड़ करके दिन भर संत के समीप बैठे रहें। इसलिए कल सारे शहर की पंचायत बुलाकर निर्णय करेंगे। इतना सुनकर सब अपने अपने घर चले गए। रात को सत्संग में स्वामी जी सब लड़कों से बोले, आपने एक बात सुनी, आप लोगों के कुटुंब भी मिलकर पास आए थे और कहने लगे आप हमारे लड़कों को अपने पास न आने दें, क्योंकि लड़के घर का कोई काम नहीं करते, बिल्कुल बिगड़ गए हैं। इसलिए आप बड़ों की आज्ञा का पालन करो और घर का कार्य भी करते रहो। स्वामी जी की बात सुनकर आत्मानंद, मंगन राम, परमानंद तथा अन्य प्रेमी गुरु महाराज जी से कहने लगे, हम घर का कार्य भी करते हैं, फिर भी हमारे माँ बाप बुरा भला कहते हैं और हमें घृणा की दृष्टि से देखते हैं। कहते हैं कि तुम सब संतों के पास चाहो ही नहीं, आपके यहाँ होकर फिर सीधे मुखी के पास गए थे। अब कल दोनों शहरों की पंचायत इकट्ठी होगी। लड़के कहने लगे, हे भगवान, हमें संबंधी चाहे कितना भी कष्ट दे, किंतु हम आपका दरवाजा नहीं छोड़ सकते। चित्त तो चाहता है कि हम सदा आपके चरणों में बैठे रहें। स्वामी जी मुस्कुरा कर बोले कि आप घबराना बिल्कुल नहीं, तथा माँ बाप अगर कुछ कहें तो उन्हें सामने जवाब भी देने की जरूरत नहीं, सदा शांति में रहना। अब आप भले ही घर जाएं। सदगुरु टेऊ राम महाराज की जय। सतनाम साखी, सतनाम साखी।